कुलदीप सिंह बेदी जी की स्वै जीवनी कथना करड़ा सार। इस विचों मैं एक घटना सांझी करन जा रही हाँ। सदरां दी संदूकड़ी नानके पिंड की एक होर घटना जो मेरे जहन च अज तक छाई हुई है, मैं शर्मसार भी करती है, उसका वर्णन मैं जरूर करना चाहाँगा। बचपन विच साढ़े को कई भुल्लां सहवन ही हो जांदियां हन, भुल्लां सानू जिंदगी भर नहीं भुलदियां। बच्चों की न्याणी मत समझ के उदों वड्डे सानू माफ़ भी कर देंदे हन। मैनू भी जरूर माफ़ कर दिता गया सी, पर अज जदों मैं यह गल चेते करदा हाँ मैं बड़ा शर्मसारी नाल भर जांदा हाँ। असल विच उदों साडियां आदतां सानू माड़ियां नहीं सन लगदियां अते बचपन की गलती कह के इसनू अपने हक च भुगता लैंदे सां। असी यह नहीं सोचते कि बचपन दी इह माड़ियां आदतां वड्डे होण ते सानू अपने पथ तों भटका सकदियां हन, इत्थों तक कि इह सानू जराइम पेशा भी बना सकदियां हन। एक दिन जदों मैं स्कूल तो परत्या तो नानी पीढ़ी ते बैठी रो रही सी, हटकोरे भर रही सी। मैं उसनू इस हालत देख के घबरा गया। नानी जिसम दी भारी सी, कद उसका मधरा सी, बड़े मोटे शीशे वाली ऐनका लगाती सी। उसकी नज़र कुछ ज़्यादा ही कमजोर सी, बहुती बार वो अपनी ऐनक ला के कितने रख दिंदी फिर लभदी रहिंदी। असी कहना भाभी दो ऐनका रखिया कर, एक ऐनक गुआची हुई ऐनक नू लभण लई भी तो चाहीदी है। तुसी मेरियां ऐनका ही तो हो, गुआच जाए तो आपे लभ के देंदे हो। भाभी का सुभा नरमी वाला घट ते गर्मी वाला वधेरे सी। अज तक कोई वड्डी घटना वापर की जापती सी। नाना जी नू गुजरिया कई महीने हो गए सन। नाना जी की दुकान वाला समान बिले लाया जा चुकिया सी। मेरा ते मेरी छोटी भैन का बिस्तरा एक वड्डे तख्त पोश ते उसे दुकान वाली जगह ते ला दिता गया सी। बर्नर की रोशनी च असी दोवें भैन भरा पढ़ते। दुकान तो हुण बिल्कुल जापती ही नहीं सी, पर नानी क्यों अज डुस्क रही है? मैनू ये डर सी कि नानी मेरी ही किसी गलती करके रो रही होगी। चोर नू यह पाला हमेशा रहिंदा है। मेरियां कई चोरियां ते शरारतां पहलां भी उजागर हो चुकियां सी। मैं अंदर गया, तख्त पोश ते बस्ता रखिया। नानी उसे तरह अखा पूंझदी उठी ते आले चो रोटियां वाला छिकू चुकिया, मक्की दी रोटी ते साग पा दिता ते थाली मेरे वल कर दिती। अगे मैं नानी दे कोल चौके च ही बोरी बिछा के रोटी खाण बैठ जांदा सी, पर अज मैं डरदा होया रोटी वाली थाली चुक के अंदर लै आया। नानी निक्के मोटे कम्मां नू हाथ मारदी रही। मैं जदों रोटी खा के भांडे चौके च रखण गया तां नानी रोण वाली आवाज़ बोली, बह इत्थे ते मेरी गल सुन। मैनू अपने आप ते गुस्सा भी आया कि मैं किहो जिहा हाँ कि अपनी नानी नू उसदे रोण दा कारण भी नहीं पुछ रहा। मैनू पता नहीं कादा पाला मार रहा सी कि जरूर मेरी कोई गलती हो। एक गल ए भी सी कि उन्हां दिनां च नानी नाना जी दे तुर जाण पिछों किसी ना किसी गल ते डुस्कदी रहिंदी सी, थोड़ी देर पिछों आप ही चुप कर जांदी, मूँह धो के फिर घर दा काम करन लग पैंदी। मैं अजे इन्ना सोचा छी पिया सी कि पीढ़ी ते बैठी नानी ने मैनू अपने कोल बैठन लई कहा। मैं चुप करके पैरां दे भार उसदे अगे बैठ गया। कई तरह के शंके मेरे मन अंदर सन। मैं तारे नाल रल के निक्कियां मोटियां चोरियां कर लैंदा सी। चोरी हर तरह की नहीं सी करदे, किसी दे वेड़े च कोई फसल पई हुंदी उस ढेरी चों कुछ निगूणा जिहा हिस्सा अपनी झोली च भर लैंदे, समुंदर चों चूली बराबर। नाले असी इह धारना बना ली हुई सी कि किन्नी कु चोरी दा कोई हर्ज नहीं हुंदा। लालच यही हुंदा सी कि करियाने दी दुकानां तों जिंस वट्टे मिठियां गोलियां लै लैणियां। मैनूं लगदा सी कि किसी इहो जिहे मामले च ही नानी मेरे कोलों पुछ पिछ करन लई कचहरी लाई बैठी सी, जरूर कोई मेरी शिकायत ला गया होवेगा। नानी ने अपने पिछले पासे हाथ वधाया ते लोहे दी गुल्लक नुमा संदूकड़ी मेरे सामने रख दित्ती। उस संदूकड़ी नूं देखदिआं मेरे होश उड़ गए अते मेरे मत्थे दे पसीने दीआं बूंदां उभर आईआं। नानी ने संदूकड़ी नूं चुक के मेरे सामने खड़काया। कुछ कु पैसिआं दी खड़क मेरे कन्नां च पई। इह तेरी करतूत है ना, नानी ने रोण हाकी आवाज़ च पुछिआ। सारी हकीकत मेरे सामने आ गई। इस संदूकड़ी च नानी पैसिआं दी भान पांदी हुंदी सी ते उसने संदूकड़ी लक्कड़ दी अलमारी दे उपर बने इक आले च सांभी हुई सी। इह भान उसने मामे दे विआह च सौट करन लई जोड़ी हुई सी। उदों तांबे दे पैसे हुंदे सन, मोहरी वाले ते बिना मोहरी दे। इन्हां दा भार काफ़ी हुंदा सी। कुछ महीने पहलां इह संदूकड़ी मेरी नज़री पई सी। मैं इस तक औखे सौखे पहुँच गया। खड़का के देखिया तां इह भान नाल भरी पई सी। उत्थे पई संदूकड़ी दे दुआले हाथ फेर के मैं इस दी कुंडी लभदा, फिर इस नूं थोड़ा जिहा खोलदा, दो पैसे चार पैसे जिन्ने भी हाथ च आ जांदे कढ लैंदा। इह आला मेरे कद नालों काफ़ी उच्चा पैंदा सी।
ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੂਲ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ। ਮੇਰੀ ਮੁੱਠ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਊਰਜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੱਥ 'ਚ ਤਰੇਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਫਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਹਾਵਰਾ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਕੇਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਖੁਰਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ, ਤੂੰ ਸੰਦੂਕੜੀ ਖਾਲੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਡੁਸਕਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲੇ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ। ਤਾਰਾ ਦਰਅਸਲ ਤਕੜਾ ਧੂਸ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੁਝ ਖਵਾ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਉਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੈਲੀ ਮਿੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦੂਕੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਸੰਦੂਕੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੈਠੀ ਨਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੁੱਟ ਸੁੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਵਾਏਗੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਡੁਸਕਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਾਨੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਕਾਬਲੇ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਸਧਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਧਰਾਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।